हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणेश चतुर्थी स्पेशल गणपति जी के प्रिय मोदक बनाएंगे। तो ये मैं पान मोदक बना रही हूँ। इसके लिए क्या सामग्री लिए बता रही हूँ मैं। ये पान ले लिए मैंने, इनको अच्छी तरह से धो लिया है। ये चार पान हैं, आप चार पांच पान ले सकते हैं। और ऊपर से कटिंग कर ली है मैंने, ऊपर जो डंठल होता है उसे कट कर लिया है। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मोड़ के छोटे छोटे पीसेज में कटिंग करूँगी, क्योंकि ग्राइंडर जार में ग्राइंड करना है हमको। तो इस तरह से पान पीस जाएंगे तो इनका फ्लेवर आएगा। और ये दो मैंने पेपरमेंट की गोलियाँ भी ली है, इनको भी साथ में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। ये देखिए ग्राइंड हो गए पान। अब मैंने गुलकन की फिलिंग करने के लिए गुलकन डाली है 2 चम्मच के करीब। इसको स्टफ करेंगे हम बीच में मोदक के। और ये काजू की कटिंग है, छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर ली है। और ये टूटी फ्रूटी है ग्रीन कलर की, ये भी डाल दी है। और गुलकन के साथ मिक्स करेंगे तो स्टफिंग बहुत अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। इसका टेस्ट बहुत मस्त आता है फ्रेंड्स। अब ये मिक्स कर लिया है, इसको एक तरफ रख देते हैं हम। और अब ये मैंने देसी घी लिया है 2 चम्मच के करीब। और ये कोकोनट है, और ये शक्कर है, ये मिल्क पाउडर है 1 बॉल, और आधा बॉल दूध है, और ये फूड कलर है ग्रीन वाला। इन सबको मिला के अभी हम मोदक बनाएंगे। तो ये देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में मैंने। और अब इसके बाद ये आधा बॉल दूध है ये डालेंगे। गैस बिल्कुल धीरे रखनी है और इस तरह से हिलाएंगे। और इसके अंदर अब मैं मिल्क पाउडर डालूंगी। ये मिल्क पाउडर 1 बॉल लिया था वो डाल दिया। और अगर आपको लगे कि सिम गैस भी तेज है और कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई है तो गैस हम बंद कर देंगे। 2 मिनट के लिए गैस बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए मिल्क पाउडर और उसमें लम्स नहीं पड़े। ये कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ मैं, करीब 2 चम्मच ही डाला है। फिर अगर कम पड़ेगा तो फिर और भी डाल सकते हैं। और ये 3 चम्मच शक्कर डालिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे फ्रेंड्स शुगर। और इसको कंटिन्यू हिलाना है नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। और ये पान का जो ग्रेट किया था मिक्सचर वो भी डाल दिया है। लेकिन पान है ना थोड़ा सा फेड कलर में होता है, हल्का कलर होता है पान का, तो हम थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं। चिमटी भर ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, इससे अच्छा आएगा लुक, दिखने में सुंदर लगेंगे अपने पान मोदक। और इस तरह से हिलाएंगे, कंटिन्यूस हिलाना है नहीं तो कढ़ाई में जल जाएगा, नीचे लग जाता है बहुत जल्दी। बिल्कुल सिम गैस कर दी है, अगर आपको लगे सिम भी तेज है कढ़ाई गर्म है तो आप थोड़ी देर बंद कर दीजिए। देखिए टाइट होने लग गया है मिक्सचर हमारा। आप देख सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा लूज है हम इसको ठंडा रखेंगे। अब प्लेट में ठंडा करने रख देंगे, अब थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सेट हो जाएगा मोल्ड, अच्छी तरह से फिलिंग अच्छी तरह से भर जाएगी और पान मोदक मोल्ड में अच्छी तरह से बन जाएंगे। ये टूटी फ्रूटी डाल दी है मैंने, रेड वाली नहीं डाली थी वो भी डाल दी है गुलकंद की स्टफिंग में, इससे लुक भी बहुत सुंदर लगेगा। ये मैंने मोल्ड लिए हैं, ये एल्युमिनियम का मोल्ड है और एक प्लास्टिक का मोल्ड है।
इसके अंदर ये फिलिंग भी तैयार कर लिए। ये बीच में स्टफ़ करेंगे। थोड़ा सा मैंने हाथ में घी लगा लिया है ताकि हाथ में ये मिक्सचर है जो पान का बनाया है चिपके नहीं। और धीरे से आप इस तरह से उठा के मोल्ड में स्टफ़ कर लीजिए। चारों तरफ दीवार के इस तरह से लगा लेना है। और अगर इस तरह से आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको बंद कर दीजिए। इस तरह से बंद करके और स्टफ करिए। ये पान की पान का मिक्सचर मिक्स करिए इस तरह से। थोड़ा सा टाइट करना है, चारों तरफ दीवारों के लग जाना चाहिए तो शेप अच्छी आएगी। और बीच में हम गुलकंद की स्टफिंग करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी पान मोदक बनते हैं फ्रेंड्स। अब ऊपर भी ये पान का मिक्सचर लगा देंगे जो अभी हमने कढ़ाई में बनाया था। थोड़ा सा टाइट करना है, इसको प्रेस करना है। हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि शेप बहुत सुंदर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मोदक बना है। पान मोदक इतना सुंदर स्वादिष्ट बना है फ्रेंड्स। ये बड़े वाले मोल्ड में बनाया है और अब मैं प्लास्टिक वाले मोल्ड में भी बना के बताती हूँ आपको। और ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बहुत ही सुंदर रेसिपी है ये। और गणेश जी को मोदक तो बहुत ही प्रिय होते हैं। तो इस तरह से पान का मिक्सचर मैंने टाइट टाइट इसमें दीवारों में लगा लिया है पूरा अच्छी तरह से। और बीच में स्टफिंग कर दी है गुलकंद की। इसका टेस्ट इतना मस्त आता है फ्रेंड्स। और घर में ही जब अपन इतने अच्छे बना सकते हैं तो बाज़ार के तो बिल्कुल इसके सामने फीके लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, टेस्टी नहीं लगते। ये टेस्ट जो आता है, ये वाला टेस्ट आ ही नहीं सकता। देखिए कितना सुंदर मोदक बन गया है प्लास्टिक वाले मोल्ड में भी। आपको मैं कट भी करके बताऊंगी स्टफिंग कितनी अच्छी बनी है। देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग दिख रही है। तो आप भी इसी तरह से गणेश जी के प्रसाद के लिए ये पान मोदक बनाइए और खाइए, खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।